भैया आपका नाम बताइए। मैं हूँ रिंकू, रिंकू साउंड से इंदौर। क्या काम करते हैं आप? मेरा साउंड का काम है ज़्यादातर, वैसे मैं कीर्तन ज़्यादा करता हूँ। खाटू श्याम जी, खाटू श्याम के कीर्तन करते हैं आज। पेट्स, प्लांट्स, मशीनरी एंड मोटिवेशनल से जुड़ने के लिए 2 PM अर्थात पेट्स, प्लांट्स, मशीनरी एंड मोटिवेशनल से जुड़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार साथियों, साथियों यदि आप डीजे का व्यापार शुरू करना चाहते हो, डीजे से कितनी कमाई हो सकती है और बड़ा से बड़ा सेटअप कितने का हो सकता है, इस वीडियो में पूरी जानकारी लाइव लेकर आए, अर्थात जहां पर ये डीजे सेटअप लगा हुआ था उसकी कीमत कितनी है और क्या क्या लगा हुआ है, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी शेयर कर रहा हूँ रिंकू भैया के साथ, जो कि साउंड सिस्टम आप देख ही सकते हो। और इनसे मिलने के लिए या इनसे चर्चा करने के लिए साउंड सेटअप आप अपने घर पर लगवाना चाहते हो तो इनका नंबर भी ये बोल रहे हैं, तो आप इनसे सुनकर नंबर नोट कर सकते हो और इनसे चर्चा कर सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। डीजे का व्यापार शुरू करना चाहते हो और लाखों रुपये महीना कमाना चाहते हो तो यह वीडियो जरूर देखें और यहाँ तक जरूर पहुँचे। तो चलिए बातें ढेर सारी हो गई, अब शुरू करते हैं हम वीडियो। भैया आपका नाम बताइए। मैं हूँ रिंकू, रिंकू साउंड से इंदौर। क्या काम करते हैं आप? मेरा साउंड का काम है ज़्यादातर, वैसे मैं कीर्तन ज़्यादा करता हूँ। खाटू श्याम जी, खाटू श्याम के कीर्तन करते हैं। आज जो आपने जो सेटअप लगाया है इसमें कितने स्पीकर, कितनी मशीन का उपयोग किया गया है? इसमें करीब करीब VRS की 8 लाइनर लगी हुई है और 4 STS के बेस लगे हुए हैं, SRS की टॉप लगी हुई है, साइड फील्ड में PRX दे रखे हैं, मॉनिटर में RCF दे रखे हैं, सिंगर का जो मॉनिटर दे रखे हैं वो हमने डायनाटेक के दे रखे हैं जी। और हाँ बताइए। और रियर में हमने ब्रिटिश की टॉप लगा रखी है और बाहर आउटपुट के लिए 2-4 SRX दे रखी है हमने जी। इस प्रकार की टॉप लगा रखी है जी। अच्छा ये बताइए कि कितने मशीन का इस पूरे सेटअप में इस्तेमाल किया गया है? करीब करीब मान के चले आप करीब करीब इसके अंदर 11 मशीन का उपयोग किया गया है। 11 मशीन का उपयोग किया जी हाँ। और कितने मिक्सर का इस्तेमाल किया गया है? इसमें मिक्सर लगा यामा का MGB 32 जी हाँ। अच्छा ये जो इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, इस आयोजन का क्या चार्ज पे करते हैं आप, क्या लेते हैं? अगर आपसे कोई अगर ये साउंड सिस्टम लगवाना चाहे, ये जो सेटअप का करीब करीब हम लोग गिरी हालत में 71,000 रुपीस चार्ज करते हैं। 61,000 रुपये? 71,000 रुपये। 71,000 जी हाँ। अच्छा 71,000 रुपये में लगाने में कितने लोग लगते हैं यहाँ पर, कितने लोग? हम लोग वैसे 4 लोग ही हैं, 4 लोग ही सेटअप लगा लेते हैं। 4 लोग सेटअप लगा लेते हैं जी हाँ। अच्छा अगर जैसे कभी सेटअप खरीदना चाहे तो कितने रुपए का तक का सेटअप होगा ये? करीब करीब यूँ तो वैसे मेरे पास 1 करोड़ तक का सेटअप है, पर अभी फिलहाल की तारीख में सेटअप लगा हुआ है 40 लाख रुपए तक का लगा हुआ है। 40 लाख रुपए तक का पूरा सेटअप लगा हुआ जी हाँ, है ना जी हाँ। अच्छा आपने अब बताया अगर कोई मिनिमम आप कोई भजन संध्या होते तो कितने से आपका पैकेज स्टार्ट होता है, कितने से आप? करीब करीब 2500 रुपये से स्टार्ट है। 2500 रुपये से आप स्टार्ट करते हैं। कहाँ के रहने वाले आप? मैं इंदौर पापर या इंदौर MP का ही रहने वाला हूँ। इंदौर में आपकी शॉप कहाँ पर है और क्या नाम से आपका साउंड सिस्टम के साथ? साउंड सिस्टम रिंकू साउंड के नाम से ही है और साफ मेरी छोटा बांगड़दा साकेत धाम में है। साकेत धाम में जी हाँ। आपका मोबाइल नंबर बोलिए अगर कोई आपसे जुड़ना चाहे। मेरा मोबाइल नंबर, यदि आप कोई भी मुझसे कार्यक्रम कराना चाहते हैं तो आप, मेरा मोबाइल नंबर है 9589031111। एक बार वो नोट करा दूं मैं, 9589031111। रिंकू साउंड इंदौर, रिंकू साउंड इंदौर। चलिए ये इसकी थोड़ी विशेषता बताइए ना, किस टाइप का है ये? ये यामा का MGB 32 मिक्सर है हाँ, जिसमें 32 चैनल है और 4 ऑक्सिलरी है, 4 ग्रुप है, एक मेन है, एक स्टूडियो है, 2-4 मैट्रिक्स दे रखी है, बाकी ग्रुप्स वगैरह जो है ये है जी जी। और ये मशीन की अगर थोड़ी सी जानकारी अगर ले, CA18 है ये, ऑडियोटेक का जो एम्पलीफायर है हाँ, 5000 है हाँ, CA12 है हाँ, SD7000 है, NS का 6000 है और ये हमारा पूरा ड्राइवर कंसोल है जो कि पूरा सेटअप यहाँ से ऑपरेट होता है, यहाँ से ऑपरेट होता है जी हाँ जी। ये DBX का ड्राइवर लगा हुआ है, इन ईयर मॉनिटर है, क्रॉस ओवर है, ग्राफिक्स है, ये सारा सेटअप लगा हुआ है, सारा सेटअप लगा हुआ है। अगर अपन मॉनिटर की बात करें, सिंपल मॉनिटर कितने लगे हुए हैं यहाँ पर? सिंपल मॉनिटर 6 लगे हुए हैं। 6 मॉनिटर लगे हुए जी हाँ। अच्छा एक बात है, ये बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि हम डीजे चलाना चाहें तो डीजे चलाने में क्या सावधानी बरतनी पड़ती है? डीजे चलाने में सावधानी है कि आज आप कोई भी डीजे चला रहे हैं तो उसको आप 4 ओम से ही चलाएं, 2 ओम पे कोई भी सेटअप लेके ना जाएं। यदि आप 4 ओम पे सारा सेटअप चलाते हैं तो आपका सेटअप भी सेफ है
आपके एम्पलीफायर भी सेफ रहेंगे और आपके स्पीकर भी लाइफ टाइम के लिए सेफ रहेंगे। अच्छा, जैसे कोई डीजे का व्यापार शुरू करना चाहे तो उसे कितना मिनिमम इन्वेस्ट तो करना ही पड़ता है? करीब करीब 3 लाख रुपए तो मान के चलो आप। 3 लाख रुपए क्या छोटा सेटअप है? 2 बेस 2 टॉप का जो सेटअप है, बढ़िया सेटअप, जो 2 बेस 2 टॉप स्टेबलाइजर एम्पलीफायर मिक्सर, ये 3 लाख रुपए में आ जाता है। अच्छा, आप कितने साल से ये काम कर रहे हैं आप? मेरे को 22 साल हो गए हैं। 22 साल। अच्छा, आपने स्टार्टिंग में कहां जो साउंड सिस्टम का काम किया? मैंने तो ये गुजरात में दाहोद में काम सीखा था मैंने। पहले मैं लाइट का काम करता था और धीरे धीरे साउंड का काम करते करते मेरा शुरू से इंटरेस्ट साउंड में ही था, तो आज साउंड का ही काम करता हूँ। साउंड का कितने वजन संध्या कर लेते हैं आप महीने में? महीने में तो ज़्यादा तो नहीं है, ज़्यादातर हम महिला संगीत का काम ज़्यादा करते हैं और कीर्तन 2-3 कीर्तन बड़े बड़े कर लेते हैं बस। कर लेते हैं। अच्छा, एक बार आपको पूरा थोड़ा सा विजिट करवाएंगे यहाँ पर, थोड़ा सा क्या है, कैसे साउंड क्या लगा हुआ है? ये स्पीकर लगे हुए हैं? जी हाँ। अच्छा, ये ब्रिटिश की टॉप है। ब्रिटिश की टॉप लगी। हाँ। अच्छा, ये बताइए जैसे केयर करने के लिए क्या ध्यान रखना पड़ता है? ज़्यादातर हम लोग फ्लाइट के समय इसको यूज़ करते हैं और व्यवस्थित इसको रखते हैं और व्यवस्थित इसको लगाते हैं। अच्छा, इसमें लाइटिंग का कौन सा इस्तेमाल किया गया है? लाइटिंग शार्पी लगी हुई है इसके अंदर और LED पार लगी हुई है। अच्छा, ये जो साउंड और लाइट पूरा आपका ये टोटली? जी हाँ, ये साउंड और लाइट पूरा मेरा ही है। चलिए, धन्यवाद, आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपका मोबाइल नंबर बोल दीजिए ताकि कोई। मेरा मोबाइल नंबर है 9589031111, रिंकू साउंड, इंदौर।